और जबकि अभी देखा गया कि हमेशा से भारत ही नाम रहा है, अब इंडिया को लेके वो एक नई पॉलिटिक्स लाना चाहिए। देखिए, विपक्ष मुद्दा विहीन है। भारत हमारा सनातन भी है, भारत हमारा वर्तमान भी है, और भारत हमारा भविष्य भी है। जब हमारे देश की सेना किसी दुश्मन सेना को हराती है तो क्या बोलते हैं? भारत माता की जय। जब देश के कोई खिलाड़ी किसी दुनिया के दूसरे देश के खिलाफ खेलते हैं और भारत की जीत होती है तो पूरे स्टेडियम में एक नारा गूंजता है, भारत माता की जय। कोई इंडिया माता की जय बोलता है क्या? लेकिन यह तथाकथित रूप से जिनके पास कोई मुद्दा नहीं है, भारत शब्द का प्रयोग किए जाने का हर भारतवासी स्वागत कर रहा है, लेकिन सत्ता के बिना जो बेचैन है वो भारत का नाम आने मात्र से बेचैन हो जा रहे हैं। जैसे अयोध्या में रामलला की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बनेगा तो इनको बेचैनी होगी, होने दो। हर घर तिरंगा लगे तो इनको बेचैनी होगी, धारा 370 हटेगा तो बेचैनी होगी। देश का बुरा कैसे हो जाए, भारत के बारे में कोई गलत कैसे कह करके चला जाए, और फिर वो मुद्दा इनके लिए कैसे बन जाए? जो यह राजनीति करते हैं उनकी राजनीति का कोई भविष्य नहीं है। और भारत कहने पे मुझे गर्व है, मैं भारत माता की जय बोलता हूँ। फिर कांग्रेस या अन्य दलों का इसके बाद हमारा तो भारत है, उनका जो मन में आयो कहे। हम तो भारत माता की जय बोल रहे हैं और भारत कह रहे हैं, और अगर प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा जा रहा है तो उनको जरूर गुस्सा आ रहा होगा, लेकिन देश में खुशी की लहर है। सर, G20 का मेन इवेंट जो अब दिल्ली में होने जा रहा है, उससे पहले देखा जा रहा है कि चाहे अमेरिकी राष्ट्रपति हो जो बाइडेन, उनको भी बुलाया गया। इसके अलावा तमाम जो बड़े बड़े देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, उन सबको बुलाया। कितना बहुत बड़ा इवेंट भारत के लिए, भारत के लिए गौरव की बात है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी जब हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, ऐसे समय में G20 की अध्यक्षता करने का भारत को अवसर मिला। और दिल्ली में जो बैठक हो रही है उसमें अमेरिका के राष्ट्रपति सहित G20 से संबंधित जो देश हैं उनके राष्ट्राध्यक्ष आ रहे हैं अथवा उनके कोई ना कोई प्रतिनिधि आ रहे हैं। साथ ही जो मेजबान देश होता है, जैसे अध्यक्षता हमें मिली है तो हम कुछ विशेष आमंत्रित करने का अधिकार G20 की इस व्यवस्था में है, तो कुछ और देशों को आमंत्रित करने का भी काम किया गया है। और आज दिल्ली पूरे दुनिया का स्वागत करने के लिए तैयार है। दिल्ली में भारत का हृदय, भारत की राजधानी दिल्ली है, और भारत की राजधानी में अगर दुनिया आ रही है तो भारत विश्वगुरु बन सकता है, यह दुनिया भी देखे। और ऐसा स्वागत, ऐसा सत्कार, ऐसी तैयारी भारत मंडपम में, कोई इंडिया मंडपम में नहीं, भारत मंडपम में वो होने जा रहा है। तो प्रियांक खारगे ने भी उसका समर्थन किया था, जिसके बाद अब FIR का दौर शुरू हो चुका। आज रामपुर में दोनों के खिलाफ जो राम भक्त हैं वो इससे नाराज हुए, सभी सनातन धर्मी नाराज हुए, उन्होंने FIR कराई है। देखिए, इस प्रकार का जो बयान देने वाले लोग हैं उनकी न कोई धरती है न कोई उनका आकाश है, लेकिन वो इस प्रकार के बयान दे करके देश में चर्चा का विषय बनना चाहते हैं। अगर कोई भगवान सूर्यदेव को समाप्त कर सकता है, वही सनातन को समाप्त करने की बात कर सकता है। जो नहीं समाप्त कर सकता है तो सनातन को समाप्त करने की बात करके मतलब वह गलत कर रहे हैं। कोई बात और कुछ कहना है और कहे कुछ और रहे हो, जब पूरे एक संस्कृति पर हमला करोगे, पूरे हिंदुस्तान के प्राण तत्व पर हमला करोगे, तो उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। और जो मुकदमे हुए हैं वो किसी की भावना को अगर ठेस पहुंची है, अगर लिखाना कोई मुकदमा चाहता तो लिखाएगा, उसकी जो जांच करके कार्रवाई होगी अपना विधिक रूप से, वो पुलिस का काम है, वो कोर्ट का काम है। लेकिन इस प्रकार के बयान को इस देश में कोई स्थान नहीं।